मान्या शर्मा एंड यू आर वॉचिंग मान्या शर्मा व्लॉग्स। सो काफ़ी टाइम हो गया, आप सभी को पता है कि मैं जो लेकर आती हूँ वो आप लोग या तो डेली व्लॉगिंग से कुछ रिलेटेड लेकर आती हूँ या फिर कुछ प्रोडक्ट रिव्यूज लेके आती हूँ। सो आज मैं वापस से आई हूँ एक प्रोडक्ट रिव्यू लेके आप सभी के लिए। कुछ टाइम पहले व्हेन आई वाज सर्चिंग अमेजोन तो मैं अपने लिए कुछ बॉडी लोशन वगैरह देखे थे, बिकॉज सभी को पता है विंटर्स आ रहे हैं और स्किन ड्राई होने लगती है, तो सेम हैपन्स विद मी। मैं अभी तक मामा अर्थ का प्रोडक्ट यूज़ करी थी, लाइक आई वॉज गोइंग फॉर विटामिन सी बॉडी लोशन ऑफ मामा अर्थ। देन सडनली आई वॉज जस्ट स्क्रॉलिंग माई अमेजोन, देन आई गॉट टू नो अबाउट वन मोर ब्रांड विच वॉज रिफ्लेक्टिंग ऑन द टॉप, सो दैट वॉज बाय द नेम ऑफ सोल फ्लावर। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्या ही मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट्स विच आर द थ्री बेस्ट पिक्स विच यू कैन गो हेड एंड परचेज फ्रॉम सोल फ्लावर। सो दिखाती हूँ आप लोगों को मैं फर्स्ट वन। तो मैं काफ़ी रिसर्च करने के बाद जो मैंने पिक किया है, सो आई पिक दिस बॉडी लोशन विच इज़ फ्रॉम सोल फ्लावर। सो यू कैन सी द पैकेजिंग ऑफ दिस यू नो लोशन इज रियली वेरी नाइस। मतलब मैं सबसे पहले जो कोई ब्रांड देखती हूँ ना या किसी को भी कोई प्रोडक्ट देखती हूँ तो मैं उसकी पैकेजिंग देखती हूँ, बिकॉज पैकेजिंग ब्रांडिंग मैं थोड़ा सा डिजिटल मार्केटिंग की तरफ से हूँ तो मुझे यू नो मैं थोड़ा सा घुस जाती हूँ ग्राफिक्स वगैरह इन सब में ज़्यादा। तो मैं आपको बताती हूँ, तो मुझे इसका पैकेजिंग यू नो इट वॉज वेरी नाइस, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। बिकॉज क्या होता है ना, आप कोई भी चीज़ को लेते हो तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट वो जाता है कि पैकेजिंग कैसी है। अगर बहुत अच्छी पैकेजिंग है तो आपको लगता है कि येस यार लोगों ने इन्वेस्ट किया था, मीन्स द प्रोडक्ट वुड बी गुड इनफ। दैट इज माई परसेप्शन, लोगों का अपने अपने परसेप्शन में होते हैं। सो मैंने इस लोशन के बारे में पहले पूरा देखा, इसके रिव्यूज देखे, फिर आई थॉट ऑफ परचेजिंग दिस। सो यू कैन सी, सो दिस कम्स इन अ बैम्बू स्टाइल पे पैकेजिंग है इसकी। सो दिस इज अ बॉडी लोशन ऑफ कैमोमाइल एंड एलोवेरा विद द एक्सट्रैक्ट्स ऑफ विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा यू नो अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही अच्छा है। आई जस्ट लव्ड इट बिकॉज इसमें वो जो एलोवेरा की कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत ज़्यादा है और आपकी स्किन काफ़ी देर तक हाइड्रेटेड रहती है। बिकॉज मेरे लिए क्या है, विंटर्स में मुझे जो चाहिए दैट इज़ अ वेरी गुड लोशन या फिर मैं ऑयल, बिकॉज मेरी जो बॉडी है वो बहुत जल्दी ड्राई पड़ती है। मेरा स्किन, मेरा फेस एरिया, मेरा नेक एरिया, आई गेट स्क्रैचेस, तो मुझे एक ऐसा लोशन चाहिए था जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो मेरे लिए अभी तक मामा अर्थ वॉज अ बेस्ट। देन आई स्विच विद दिस आर्गन ऑयल एंड नाउ आई वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, तो मैंने इसको परचेज किया। दिस इज वेरी नाइस, आई विल शो यू। सो दिस इज द बॉटल एंड यू द कंसिस्टेंसी यू कैन सी इट्स वेरी नाइस। आई जस्ट टेक अ ड्रॉप जस्ट टू रब इट। मैं इसको दिन में दो बार लगाती हूँ एंड आई रियली लाइक इट। सो दिस वॉज द फर्स्ट वन विच आई वुड रिकमेंड यू ऑल। सो यू कैन जस्ट सी, आई विल शेयर द लिंक इन द बिलो द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो जैसे कि मैंने पढ़ा हुआ था सोल फ्लावर के बारे में दैट दिस ब्रिंग प्रोडक्ट्स विच इज़ फ्रॉम फार्म टू फेस, तो इसमें सिर्फ प्योरली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है। बिकॉज काफ़ी चीज़ों में यू नो देर इज़ अ यूज़ ऑफ पैराबेन और आर्टिफिशियल स्मेल। सी एनी लोशन इज़ नॉट पॉसिबल टू बी यू नो ब्रिंग आउट कि उसमें हल्का सा भी स्मेल ना हो, क्योंकि जो लोग आजकल कहते हैं कि यार उसमें स्मेल नहीं होनी चाहिए, नॉन स्मेल वाले बहुत अच्छे होते हैं। एनी ब्रांड यू चूज, हर ब्रांड में एक अपना स्मेल ही होगा ही होगा, बिकॉज वो पॉसिबल ही नहीं है ऐसी कोई भी यू नो लोशन, शैम्पू, सोप, कुछ भी ऐसा होता है जिसमें स्मेल नहीं है। आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा जो इंडल्ज होती है दैट इज़ रॉन्ग, बट येस अ फ्रेगनेंस शुड बी देयर, वो ओरिजिनल। जैसे इसमें आई कैन फील द कैमोमाइल और साथ ही साथ एलोवेरा की जो वो नेचुरल स्मेल है, आई कैन फील दैट इन दैट लोशन। सो आई वुड जस्ट से कि जो लोग ये सोचते हैं ना कि यू नो आर्टिफिशियल स्मेल और एक नॉर्मल स्मेल में बहुत डिफरेंस है, वो ऐसा कुछ नहीं। आर्टिफिशियल स्मेल क्रिएट की जाती है विच कुड बी हार्मफुल फॉर योर स्किन, बट दी सॉर्ट ऑफ स्मेल जो उसमें नेचुरल एलोवेरा और साथ ही साथ जो कैमोमाइल की ओरिजिनल स्मेल है दैट इज नाइस। सो यू कैन ट्राई दिस वन, दिस इज केमिकल फ्री एंड दिस इज नाइस। So the second product which I purchased from again the same brand Sol Flawer, this is this herbal vitamin C serum which is a whitening serum. So this comes up with the essence of licorice, right, and sandalwood. So this is also very nice.
बेसिकली द यूज ऑफ, पहले मैं इसका पर्पज समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या है. मैंने इसको आई के नीचे लगाया, मतलब मेरे को लगा ये होगा, बट देन आई वेंट थ्रू, मैंने इसको पूरा पढ़ा इन डिटेलिंग. सो दिस इज मेजरली फॉर पिगमेंटेशन एंड यू नो डार्क स्पॉट. सो कभी भी अगर आपने देखा है कि आपकी स्किन में पिंपल पॉप आउट होते हैं और जब वो जाते हैं तो एक स्कार, एक या दाग छोड़ के जाता है. सो यू कैन ट्राई, जिनकी भी बहुत ज़्यादा एक्ने ब्रेकआउट्स है और बहुत सारे डार्क स्पॉट्स है, हाइपर पिगमेंटेशन है, सो यू कैन ट्राई दिस. आई शो यू द पैकेजिंग ऑफ दिस. सो दिस कम्स अप लाइक एक पम्प फॉर्म में है. मसाज करके छोड़ सकते हो फॉर अ नाइट एंड देन यू कैन क्लीन योर स्किन विद द नॉर्मल वाटर. सो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस, आई लाइक दिस बिकॉज ये जो है, मैंने इस पर एक और चीज देखी थी जो मैं आपको बताऊंगी. एक मिनट, ट्रांसेमिक एसिड. ओके, सो ट्रांसेमिक एसिड इज गुड फॉर हाइपर पिगमेंटेड स्किन. मैंने काफी देर पढ़ा था जाकर कि व्हाट इज दिस एसिड ऑल अबाउट और इसका क्या यूज है. तो जितने भी आपके डार्कर एरियाज होते हैं ना, उनको लाइटन करने के लिए काम आता है ये. और इसका मैंने एक डिटेल जो वीडियो है वो इंस्टाग्राम पे भी बनाया है, सो यू कैन चेक दैट आउट. सो दिस वॉज द सेकेंड प्रोडक्ट विच आई पर्सनली लाइक फ्रॉम सोल फ्लावर. नाउ क्विकली आई जंप अप टू द थर्ड प्रोडक्ट ऑफ माइंड विच आई लाइक इट पर्सनली. सो दिस इज द सोल फ्लावर, यू कैन सी इट्स एन हर्बल AHA प्लस. Why I went for this? Because I do not have acne on my skin. My skin is touch wood very clear. मुझे कभी भी ऐसे बहुत ज़्यादा acne नहीं आते हैं. Like people who are prone to acne skin. But yes, due to some you know changes in my menstrual cycle और काफ़ी चीज़ों की वजह से I get a pimple at a times. तो मैंने ये कॉन्सेंट्रेट जो लिया है, हाउ ऑल दो मैं ये कॉन्सेंट्रेट बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करती हूँ अपने फेस पे, बट इसके पूरा रिसर्च और उसका देखने के बाद आई फाउंड दैट दिस इज नाइस एंड आई हैव ऑलरेडी ट्राइड दिस. इफ यू कैन सी, अभी मेरे को रिसेंटली यहाँ पे एक पिंपल आया था एंड दैट हैज लेफ्ट दिस स्कार. आई होप दिस इज क्लियरली विजिबल टू यू ऑल, यू कैन सी दैट. सो मैंने इसको काफ़ी टाइम तक लगाया है, ये मेरे को शायद मैं एक मंथ से यूज कर रही हूँ. सो दिस इज वेरी नाइस, इट हैज अ वाटर कंसिस्टेंसी. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट ओपन इट, पंप इट, अप्लाई ऑन द अफेक्टेड एरियाज जहाँ आपको लगते हैं. और नॉर्मली आप इसको पूरे फेस पे भी लगा सकते हो, दैट इज योर चॉइस, बट मैं सिर्फ अपने पिंपल एरियाज पे ही लगाई हूँ अभी तक, जितना भी मैंने इसको लगाया हुआ है. सो दिस कम्स अप विद लॉट ऑफ नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स, लाइक इट कम्स अप विद टी ट्री, देन ग्रेप फ्रूट, पाइन एप्पल एक्सट्रैक्ट्स, शुगर केन एक्सट्रैक्ट्स, ऑरेंज पील. तो अगर आपको पता है कि कॉन्सेंट्रेट को बनाने के लिए आपको सारे विटामिन सी के जितने भी फ्रूट्स हैं ये सारे यूज हो जाते हैं. तो यू कैन सी इट्स हैज अ मैंगो ऑल्सो, सम एक्सट्रैक्ट्स ऑफ रोजेस. सो दिस हैज बीन मेड अप ऑफ ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स एंड आई टेल यू वट इट एक्चुअली हेल्प्स इट आउट. दिस हेल्प्स यू आउट विद द क्लैरिटी ऑन योर स्किन. व्हेनेवर यू हैव दोज पिगमेंटेड एरियाज, तो उसको लगाओगे ना एक लेयर, तो क्लियरली क्या होता है, वो आपके पिगमेंटेड एरियाज को लाइटर करते हैं और आपकी स्किन को मोर ब्राइट करते हैं. सो दिस बूस्ट द क्लैरिटी ऑफ योर स्किन, अलॉन्ग विद दैट प्रिवेंट्स पिगमेंटेशन एंड इम्प्रूव्स द मॉइस्चराइजेशन लेवल. सो मॉइस्चराइजेशन की बात अगर मैं करूँ तो मेरे लिए ये मॉइस्चराइजर का वर्क नहीं किया था बिकॉज मैंने इसको पूरे एरिया पे नहीं लगाया था. आई जस्ट अप्लाइड ऑन द अफेक्टेड एरियाज वेयर आई गेट पिंपल्स. सो यू कैन सी इफ यू वॉन्ट, इफ यू विश, दैट इज योर चॉइस कि आप इसको एज अ मॉइस्चराइजर यूज करना चाहते हैं या नहीं. बट आई वुड जस्ट रिकमेंड कि इफ यू हैव दैट एक्ने प्रोन स्किन देन दिस इज रियली वेरी बेस्ट बिकॉज दिस विल हेल्प यू कंट्रोल योर एक्ने एंड ऑल्सो लाइटन द डार्क स्पॉट्स, व्हाटएवर इट्स बीन लेफ्ट आउट ऑन योर स्किन एक्ने के बाद. दिस विल बी रियली हेल्पफुल. सो जस्ट टू ट्राई इट, आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो आई होप यू लाइक ऑल दीज थ्री पिक्स विच आई हैव परचेज फ्रॉम सोल फ्लावर. एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको फिर एक लास्ट पर यही बोलना चाहूँगी, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो मेरी स्किन को सूट किया हो वो आपकी स्किन को भी सूट करे. तो बिकॉज काफ़ी टाइम से क्या होता है ना, कुछ लोगों को मैंने देखा हुआ है, लोग एक दूसरे के ब्लॉग्स पे या किसी के वीडियोज़ पे जाके क्लेम करते हैं कि आपने मुझे ये बताया था और मैंने आपके कहने पे ये लिया और मुझे नहीं सूट किया. सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे सूट किया है, बिकॉज
बिकॉज मेरी स्किन, बिकॉज वी हैव थ्री वेरियंट्स इन स्किन, लाइक ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, ड्राई स्किन, राइट? सो हर किसी की स्किन टाइप इज डिफरेंट. सो आप लोग ट्राई जरूर कर सकते हो. यू हैव टू, व्हेनेवर यू परचेज एनी प्रोडक्ट, यू हैव टू चेक इट आउट, यू हैव टू रिसर्च अ लॉट कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या वो कौन सी स्किन टाइप पे जा रहा है, ये जरूर चेक करिएगा. बिकॉज आई डोंट वांट कि कल को कोई मुझे क्लेम करे कि यार मैम आपने वीडियो बनाया था दैट दीज आर द बेस्ट प्रोडक्ट्स, हमने आपके कहने पे ले लिया बट मुझे सूट नहीं किया, आई गॉट दिस यू नो डैमेज, या मुझे इस तरह से हार्म किया. सो फिर मैं आपको ये बताऊँ कि इट डिपेंड्स, इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द स्किन टाइप्स टू स्किन टाइप. मैं सिर्फ वो प्रोडक्ट्स पिक करके लाती हूँ जो मुझे लगता है एज पर द मनी और एज पर द इंग्रीडियंट इज गुड, तो मैं बस वही पिक करके लाती हूँ. सो आई होप यू एवरीबॉडी लाइक इट. डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फर्दर रिगार्डिंग यू नो एनी प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेरीज, या फिर कुछ भी ब्यूटी रिलेटेड क्वेरीज अगर आपको चाहिए, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट. जो भी मेरे नॉलेज के अंदर अंदर होगा आई विल श्योरली हेल्प यू आउट. So at the last, I would just request to not forget to like, comment, share. And जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, please guys go ahead and subscribe the channel. By pressing the bell icon, you'll be able to know, you'll get notified whenever I'll be posting a new video. आपके पास direct notification आ जाएगा और आप मेरे videos को देख सकते हो, अच्छे अच्छे comments कर सकते हो, and you can like the videos. So आज के लिए चलती हूँ. आस्ता ला विस्ता फॉर द डे, एंड मिलते हैं आप लोगों से न्यू ऐसे ही मैं रिलेटेड यू नो प्रोडक्ट रिलेटेड, या फिर जो भी मुझे लगेगा मुझे आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए, कोई अच्छा प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन, आई विल डेफिनेटली ब्रिंग दैट फॉर यू ऑल. सो थैंक यू फॉर द डे, बाय एवरीवन, एंड टू नॉट फॉरगेट टू कॉमेंट एंड